ये है नोएडा के पुलिस कमिश्नर आलोक कुमार सिंह, जिनके गले में फूलों की मालाएं हैं और कुछ लोग उनसे गले लगकर रो रहे हैं तो कोई उनके पैर छू रहा है। दरअसल 2 अक्टूबर को नोएडा के इकोटेक एक थाना क्षेत्र से 11 साल के एक बच्चे का अपहरण हो गया था। अपहरणकर्ताओं ने बच्चे के परिवार से 30 लाख रुपए की डिमांड की थी, जिसकी सूचना पीड़ित परिवार ने स्थानीय पुलिस को दी। बिना वक्त गवाए गौतम बुद्ध नगर की पुलिस एक्शन में आ गई। पुलिस की कई टीमें बनाई गई। बच्चे के लिए चलाए गए इस स्पेशल ऑपरेशन के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि लुक्सर गांव के पास किडनैपर सोमवार यानी 3 अक्टूबर की सुबह फिरौती की रकम लेने के लिए आ रहे हैं, जिसके बाद सुबह करीब 6 बजे पुलिस ने बदमाशों को घेर लिया। अपहरणकर्ताओं और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक अपहरणकर्ता मार गिराया गया, जबकि उसके 2 साथी भागने में कामयाब रहे। वहीं बच्चे को 24 घंटे के अंदर ही अपहरणकर्ताओं के चंगुल से सही सलामत बरामद कर लिया गया और परिवार को सौंप दिया। हालांकि मुठभेड़ के दौरान पुलिस इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर गोली लगने से घायल हो गए। बच्चे की बरामदगी के बाद जब नोएडा पुलिस कमिश्नर आलोक कुमार सिंह बच्चे और उसके परिवार से मिलने उनके घर पहुंचे, तो घर वाले अपने आंसू रोक नहीं पाए। इसी दौरान बच्चे के घर वालों ने आलोक सिंह को फूल माला पहनाकर सम्मानित किया। बता दें कि जिस बच्चे को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छुड़ाया गया वो 5 बहनों का इकलौता भाई है। बच्चे के परिवार वाले कमिश्नर साहब का शुक्रिया करते नहीं थक रहे। पूरा परिवार कमिश्नर साहब से गले मिलकर रोने लगा। दूसरी तरफ कमिश्नर भी बच्चे से मिलकर भावुक हो गए। हाल ही में लखनऊ की डिविजनल कमिश्नर डॉक्टर रोशन जैकब का भी एक वीडियो सामने आया था, जिसमें वो हादसे में घायल एक बच्चे को दर्द से कराहते देख और पास खड़ी माँ को दुखी देख भावुक हो गई और अपने आंसू नहीं रोक सकी थी। टाइम्स नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।